कुख्यात वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश आरा नवादा थाना अंतर्गत चोरी की गई 5 4-पहिया वाहनों के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आप सभी को बताना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाया गया है। भोजपुर पुलिस लगातार काम कर रही है और उसी की कड़ी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ वाहन चोर गिरोह हैं और वो जिले में सक्रिय हैं, क्योंकि यहाँ से भी पहले भी कई स्कॉर्पियो और अन्य फोर व्हीलर गाड़ियाँ चोरी हुई थी। इसी की कड़ी में एक झारखंड की टीम भी जो है एक वाहन चोरी हुआ था उसके क्रम में यहाँ पर आई थी। तो उस कड़ी में जो हम लोगों की टीम ने जो है जब साथ काम करना आरंभ किया तो हमें कई ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें ये देखा गया कि न सिर्फ वो वाहन चोर गिरोह गाड़ियों को चोरी करता है बल्कि जो है एक प्रॉपर रैकेट के रूप में काम कर रहा है। और यह रैकेट इस प्रकार का है कि झारखंड की जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं उनको यहाँ ला के बेचा जाता है और यहाँ की जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं उनको झारखंड में ले जाके जो है उसको बेचा जाता है। तो इसी कड़ी में जो है एक जो संदिग्ध स्कॉर्पियो से हम लोगों को पहले लीड मिली थी, जब उसका जो अभियुक्त था उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया और उसके घर पर जब छापामारी की गई और उसका जो अन्य कई साथी थे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कई जो है कि ऐसे अवैध रूप से जो है बनाए गए जो है ये मुहर वगैरह हैं। और इसमें जो आगे पूछताछ से हुई तो उसमें जो एक मुख्य अभियुक्त था ये धर्मेंद्र कुमार पिता कृष्णा यादव, ये चौरेन भवन ओवरब्रिज रेलवे गुमटी आरा नवादा के पास का रहने वाला है और मूर्ता इसका जो है थाना जो है ब्रह्मपुर रहने वाला है। ये इसने बताया कि किस तरीके से ये लोग जो है झारखंड की गाड़ियाँ यहाँ ला के और यहाँ की गाड़ियाँ वहाँ करके ये इंश्योरेंस कंपनी में जो है वो काम करता है और उसके नाम पे जो इस गाड़ियों का एक्सीडेंट वगैरह होता है उन गाड़ियों को जो है जब वो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो उन पे ये एडिट करते हुए जो है यहाँ DTO के जो कुछ कर्मी हैं उनके माध्यम से वो उसको ओरिजिनल के रूप में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं और ऐसी जो चोरी की गाड़ियाँ हैं उसको ओरिजिनल गाड़ियाँ बना के जो है लोगों को जो है बेच देते हैं। इसमें कई बार जो खरीदने वाले सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उनको जो है पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली ये नई गाड़ी है या चोरी की गई गाड़ी है उसका क्या हकीकत है। लेकिन इसमें हम लोगों ने लगभग अभी तक 5 से ज़्यादा गाड़ियां बरामद की और इसमें मुख्य रूप से 4 स्कॉर्पियो बरामद हुई, 1 अर्टिगा कार बरामद हुई और 4 मोबाइल और 5 अभियुक्त गिरफ्तारी हुई। पहला धर्मेंद्र कुमार, दूसरा विनोद कुमार यह भी मुंशी टोला जगदीशपुर का रहने वाला है, तीसरा पिंटू कुमार बिहिया थाना का रहने वाला है, चौथा रंजीत कुमार यह बिहिया थाना का रहने वाला है और 5वां मोहम्मद अमजद ये नया भोजपुर बक्सर का रहने वाला है। इस तरीके से इसमें 5 वाहन चोर गिरोह के जो मुख्य जो है ये गिरोह है इनको 5 लोगों को पकड़ा गया है अभियुक्तों को और इसमें पुलिस अभी और छानबीन कर रही है। इसमें आगे छानबीन की और भी ज़रूरत है क्योंकि हमें लीड है कि इसमें अन्य गाड़ियां भी अभी बरामद हो सकती हैं। तो इस तरीके से भोजपुर पुलिस की एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है और हम लोग आगे भी इसमें भी काम करेंगे क्योंकि इसमें और गाड़ियां भी बरामद करनी बाकी हैं और कुछ अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार होंगे। और इसमें हम लोग आगे ये भी जांच करेंगे कि DTO ऑफिस या इंश्योरेंस ऑफिस या अन्य किसी विभाग का अगर कोई संलिप्तता है, उसके कर्मी की संलिप्तता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ़ जो है सुसंगत धाराओं में और साक्ष्य के साथ कार्रवाई की जाएगी।